देखा दद्दू, ये चल रहा है इस वक्त उधर कलकत्ता में। क्या चल रहा है? गहमा गहमी, चीखू पुकार। अरे दद्दू, जिंदगी दौड़ रही है वहाँ, तहलका मचा हुआ है वहाँ। तो मैं क्या करूँ? करना तो अब हमें है दद्दू, सो हमने तय कर लिया है। देखना, हमारे बराबर जुए का अड्डा किसी का भी नहीं होगा पूरे कलकत्ता में। गोरे अफसरों की लाइन लगी रहेगी वहाँ। तो मुझे क्यों बता रहा है, मैं क्या करूँ? मैं आपसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ दद्दू, मैं तो सिर्फ तुम्हें बतला रहा हूँ कि मुल्क में तहलका मचा हुआ है, शहरों में पैसा दिख रहा है, और तुम दुनिया जहान को भूलकर इस साले इटावा जिले के इस मनहूस मैसूर गांव में बैठे हुए हो। अरे मनहूस होगा तू, तेरा बाप। और लोग भी तो रह रहे हैं वहाँ। हारे गया और लोग, अब हारे गया मुल्क, मुझे नहीं जाना यह हवेली छोड़कर। तो मरो फिर यहीं रहकर। मैं ही साला बेवकूफ था जो कलकत्ता से यहाँ आया था झक मारने। हे कालिया, ला साली बंदूक। जा जा साले, मर जाके जंगल में, इससे तो किसी शेर चीते के मुंह में जाए वही अच्छा है। हे कालिया, साला बुड्ढा, खुद तो इस गांव में मरने के लिए पैदा हुआ, चाहता है कि मैं भी यहीं मरूं। अरे क्या करेगा इस दो कौड़ी की हवेली का? देखना, जब तक मैं इस हवेली को बेच नहीं दूंगा तब। हमारा नाम भूधर सिंह राठौर है, और तुम्हारा बता दो। माहर सिंह। कहाँ से आ रहे हो? वो महोबा से निकले थे घूमने के लिए, बीच में घोड़ा बेकाबू हो गया। लेकिन तुम तो कमाल की सवारी कर रहे थे, हमने खुद देखा। महोबा में ज्यादा तिलमिलाने की जरूरत नहीं है, आराम से मुझे रखना। वैसे भी इस इलाके में ये कोई नई बात नहीं है। देखो, हम फौज में रह चुके हैं,
आदमी की देह देखकर उसका धंधा बतला सकते हैं। बोलो डकैती डाली थी? हाँ। सुना है वहां कोई कत्ल वत्ल भी हुआ? हाँ, दो पांच कर देने चाहिए थे, उन्होंने पुलिस में इत्तला की थी। डकैती में कुछ तो माल वाल भी हाथ लगाई होगा। अब डकैती हुई तो माल भी हाथ लगेगा ही। कितना? देखो ये इटावा जिला है, गांव का नाम है मैसूर और कमिश्नरी है इलाहाबाद। और हाँ, यहाँ तब तक पुलिस नहीं आती जब तक कि इत्तला करके उसे बुलाई न जाए। ये सब हमें क्यों बता रहे हो? इसलिए कि डकैती करो चाहे खून, पुलिस की निगाह से बचने के लिए इससे बेहतर दूसरी जगह कोई नहीं। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें लूट के माल की रकम बतानी होगी। 180 मोहरे सोने की। ठीक है, अब हमारी सुनो। हम कलकत्ता जाना चाहते हैं अपनी ये हवेली बेचकर अपने दद्दू के साथ। वहाँ हम जुए का अड्डा खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे दद्दू हैं कि मानते नहीं, और उन्हें मनाने के लिए हमें माल की रकम बतानी होगी। ये 180 मोहरे हमारी, ये हवेली जमीन सब तुम्हारी, साथ में इज्जत आबरू। अपने नाम के साथ राठौर लगाना शुरू करो, कुंवर नाहर सिंह राठौर। जात कुल सब एक साथ, जमीन की खाओ और ऐश करो। अगर किसी ने पूछ लिया तो? हम कह देंगे कि हमारे दूर के भाई होते हैं, काम का काम और जिंदगी सुधर जाएगी। इस वालक मगर वो कुंवर साहब भी कैसे जिनकी अपनी बंदूक ना हो? अरे बंदूकों की कमी है, हर घर में बन रही है आजकल। क्या पंजाब, क्या कलकत्ता, क्या कानपुर और क्या आगरा, एक हाथ मंगवा लेना। वैसी वाली नहीं, ऐसी वाली। मतलब? लाइसेंस वाली, जमीन और हवेली के साथ ये दुनाली। मंजूर है, मंजूर है कुंवर नाहर सिंह राठौर। क्या कालिया, कैसा है? मेहरबानी है आपकी। हाँ, आ जा। हाँ, कैसे हो चाचा? क्यों रे जगार, आज कच्ची कितनी खींची है? बस मावा नारंगी मिला के 6 मटकी। ये ले, खाना वाना बना के तैयारी कर, हम अभी नहा धो के आते। आपको कोई आदमी मिलने आया था? उससे? हाँ। मैसूर का है? कभी देखा नहीं उसको। किधर है? गणेशी, अबे तू जिंदा है अभी तक? आजा आजा आजा। फिर तेरा क्या हुआ? होना क्या था, बुग्गा और फिरोज शाह को पुलिस ने गोली मार दी, बाकी तीन को बागी स्वदेशी कहकर सब फांसी पे चढ़ा दिया। और इस बार तो हमले में एक अंग्रेज अफसर भी था, हमको भागना पड़ा वहां से। और इस चक्कर में गिरोह टूट गया है। खाने के लाले पड़े हुए हैं बस, और क्या। अरे चल कोई बात नहीं, यहां आराम से रहे, हवेली के सामने झोपड़ी डाल और एक भैंस खरीदवा देते हैं, अपना दूध घी का काम को शुरू कर दे। यहां ना अपने पुलिस की नजर है ना गोरों की। और एक बात ध्यान से सुन, दुनिया के लिए मैं कुंवर हूं, कुंवर नाहर सिंह राठौर, तेरे लिए भी। बंदा कसम, आपकी इस असलियत का पता कभी किसी को नहीं चलने दूंगा मैं। वाह क्या कहने कुंवर साहब,
ऐसे ऐश तो हमने शहर इलाहाबाद में भी नहीं किए। बस आप आते रहिए थानेदार साहब, अब तो जंगल अपना, शिकार अपने और और सुनाइए थानेदार साहब, तफ्तीश में कुछ मिला? मिलना क्या था कुंवर साहब, 25 डकैतियां होती है गांव में, अब किस किस को पकड़े? बाकी हम निकल लेते हैं खानापुरी के नाम पर, अब ये गोरू की सरकार को कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। पर आप जैसे कदरदान मिल जाते हैं तो ऐश हो जाती है। लेकिन इधर ये बम धमाके जरूर शुरू हो गए हैं, ये पहले नहीं थे। अरे हाँ, पुरानी साहिबा नहीं दिख रही है? वो हवेली में नहीं है क्या? मायके गई है सरकार, इसी नौराते में आने वाली है बस। हाँ, तभी मिलेगा कुछ सुधरा हुआ खाना। साला दिन भर शिकार करके आओ अपने हाथ से और मिले तुम्हारा पकाया हाथ पका खाना। नहीं, अगली बार से शिकायत नहीं होगी सरकार। ठाकुर साहब, मैं नहा धो लेता हूँ, फिर मिलते हैं खाने पे। ठीक है। और बैठ बैठ। गणेशी, तुझे भमरी याद है? वो तेरी नाचने वाली? हाँ यार, साली जिंदगी सुधर गई मगर है फिर भी अकेले, कहाँ मिलेगी? घूम रही होगी अपने नाचने गाने वालों के साथ। आंखें लड़ गई थी ना? हाँ यार, साली ने गोली निकाली थी भागते हुए। उसे बोलकर तो आया था कि वापस जरूर आऊंगा एक दिन, मगर जिंदगी साली कुत्तों की सी रही फिर। लेकिन अब तो संभल गई है यार। चल ढूंढते हैं उसे, मैं भी अपनी औरत को यहीं बुला लेता हूँ और जमाते हैं साली ये गृहस्थी यहीं पे। हाँ यार, चल ये भी करके देखते हैं। अब ध्यान से सुन, इसके बाद कभी अपना चेहरा मत दिखाना। तू जा, राव पहुंच, पालकी से जा, गाने बजाने वालों को ठीक कर। हम गांव पहुंच के लिए खबर भिजवा देंगे कि ठकुराइन भानुमती मायके से वापस आ गई है। ये लकीरपुर गांव कहाँ है यहाँ पर? Thank you.
राजा है यहाँ का। क्यों लगता नहीं हो क्या? आत मत दिखा, अब तू भी ढंग से पहनना ओढ़ना सीख, चलना फिरना सीख, अब तू रानी है यहाँ की, ठकुरायन भानुमति। और हाँ एक बात ध्यान से सुन, गणेशी के अलावा और किसी को उन बातों के बारे में नहीं बता, हमारी असलियत का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, समझी? और अगर ये बात मैंने सबको बता दी तो दोबारा मैं के भेज दूंगा और वापस नहीं लाऊंगा फिर कभी। अरे गणेशी, आज घी बेचने शहर जा रहा है क्या? बस दोपहर ढलते निकलूंगा कुंवर साहब। मैं भी चल निकलूंगा तेरे साथ, कुछ काम धाम तो है नहीं? जैसी आपकी मर्जी कुंवर साहब। हाँ चलिए ना। अरे काहे के कुंवर साहब यार। यार ये जिंदगी थोड़े संभल तो गई है, ग्रस्ती भी जम गई है अब तो, मगर दिक्कत तो वहीं के वहीं है। ये ऐश अय्याशी में पैसे भी तो लगते हैं। सो तो है, चलो। हाँ पूरे इटावा में अपने जमींदारी की साख भी जम चुकी है, सो और दिक्कत। ये साले सारे जिले और तहसील के अफसरों को शिकार कराना, ऐश कराना, रकम तो लगती है उसमें। तेरा धंधा कैसा चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है बस, अब एक भैंस से कोई आदमी कितना घी दूध निकालेगा? ये तो बैलगाड़ियों की घंटी की आवाज है। हाँ इटावा मंडी गई होगी अनाज बेचने। अनाज बेचने गई होगी तो रकम भी होगी इनके पास। तो ये तू बोल। चल दो बैलगाड़ियां हैं, चार आदमी उससे ज्यादा नहीं होगे। तू लाठी लेके सामने पड़े जाना, जैसे मैं हवाई फायर करूंगा वैसे ही झपट पड़ना, ठीक है? इतने से क्या होगा, नौकरों की तनख्वाहें हैं, सुनार भी कई बार तकाजा कर चुका है। तो तू ये रख ले कहने से, अपनी भैंसे और बढ़ा ले। मगर एक बात है कहने से। क्या? अब दो आदमी उसे काम चलेगा नहीं। साहब
अरे आइए आइए थानेदार साहब, आइए आइए बैठिए। गणेशी ये लीजिए और 10 बीघा जमीन के कागजात। अब आप मैसूर गांव के चारपाई के जमींदार बन गए। तो भी ठाकुर क्यों कह रहे हैं, सीधे जमींदार कहना ही शुरू कर दीजिए ना। माफ करना जमींदार साहब। थानेदार साहब, हम सोच रहे थे कि एकाद हाथी वाथी खरीद ले क्या। हाथी, हाथी का क्या करिएगा अब। क्या बताएं थानेदार साहब, जिला तहसील के इतने बड़े बड़े अफसर लोग शिकार खेलने की फरमाइश करते थे, तो उनको पैदल ले जाना अब हमारी शान के खिलाफ हो जाएगा। ठीक भी है। तो सोच रहे हैं उनकी खातिर हाथी सही। अगले हफ्ते तो खुद गोरा साहब आ रहे हैं शिकार खेलने के लिए। अच्छा। हाँ तब। ये अब तो आपकी गृहस्थी भी पूरी हो गई। नाम क्या रखा है तुवर जी का? नाम रखा है खैर सिंह। हमारे पुरोहित पंडित छोटेलाल का आग्रह है कि कुंवर पढ़े लिखे। अब हम कहे कि खाने पहनने को इतना तो है, मगर उनकी इच्छा है सो उन्हीं के हवाले करने जा रहे। भाई कुल के पुरोहित की इच्छा का कुछ तो सम्मान करना ही पड़ेगा ना। क्यों कुंवर, पढ़ोगे लिखोगे और बड़े आदमी बनोगे और बड़े अफसर बनकर विलायत भी जाओगे क्या?